ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में प्रकट हो गया है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार की शुरुआत इस प्रकार होती है। जब लोग उसकी ये बातें सुन रहे थे, तब ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्योंकि ईसा यरूशलेम के निकट आए तो लोग यह समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य प्रकट होने वाला है। जब यीशु यरूशलेम के निकट पहुँचे तो लोगों की सोच यह हुई कि यीशु ईश्वर के राज्य की शुरुआत यरूशलेम नगर से करेंगे और यीशु उस नगर पर अपना राज्य स्थापित कर सारी सृष्टि पर वे राज्य करेंगे। इस प्रकार की सोच लोग जब यीशु यरूशलेम के निकट आते हैं तब वे उसके प्रति रखते हैं, लेकिन यीशु ईश्वर के राज्य की स्थापना के बारे में वे लोगों को बतला चुके हैं, जिसे हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं, जहां प्रभु कहते हैं कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में प्रकट हो गया है। ईश्वर का राज्य यदि हमारे बीच में आ चुका है, इन लोगों के बीच में आ चुका है, तो हरेक लोगों को, प्रत्येक लोगों को ईश्वर की राज्य की प्रगति, उन्नति, खुशहाली और समृद्धि के लिए कार्य करना है। इसी बात को लेकर के प्रभु उन्हें एक दृष्टांत सुनाते हैं कि ईश्वर के राज्य के लिए उन्हें किस प्रकार कार्य करना है। कि राजा विदेश जाने के पूर्व वह अपने नौकरों को बुलाते हैं और हर एक को एक एक अशर्फी देते हैं, और जब वह राजा विदेश से पुनः अपने राज्य में वापस आते हैं तो हर एक सेवक से उन अशर्फियों का हिसाब मांगते हैं। और पहला सेवक, हम पवित्र सुसमाचार में पढ़ते हैं, आकर के कहता है कि स्वामी, आपने मुझे एक अशर्फी दी है और उस अशर्फी से मैं 10 और बना दिया। दूसरा कहता है कि स्वामी, मैंने 1 से 5 बनाया। और तीसरा, जो आलसी था, कामचोर था, वह अपने एक अशर्फी को जिस प्रकार था उसी प्रकार वह जमीन में छुपा करके रखता है, और राजा इस सेवक से नाखुश होता है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, यह जो अशर्फियों का दृष्टांत है जिसे प्रभु आज हमें बतला रहे हैं, यह दृष्टांत ना केवल उन लोगों के लिए था, बल्कि आज प्रभु पवित्र सुसमाचार के माध्यम से हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं कि ईश्वर का राज्य हमारे बीच में स्थापित हो गया है, जिसकी शुरुआत स्वयं प्रभु यीशु कर चुके हैं। और इस ईश्वर के राज्य की प्रगति, उन्नति, महिमा और खुशहाली के लिए हम सबों को, प्रत्येक जन को कार्य करना है। और ईश्वर अपने राज्य की प्रगति, उन्नति और खुशहाली के लिए हमें भी अशर्फियाँ प्रदान की है, विवेक के रूप में, प्रज्ञा के रूप में, बुद्धि के रूप में। हमें इनका प्रयोग करते हुए अपनी योग्यता के अनुसार ईश्वर की राज्य की खुशहाली, महिमा, प्रगति और उन्नति के लिए हमें कार्य करना है। और जब प्रभु यीशु हमसे कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 36 में कि वह पुनः अपने दूतों और संतों के साथ प्रकट होने वाले हैं, जब यीशु हमारे बीच में प्रकट होंगे तो वे अपने अशर्फियों का, जिसे हमें प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक के रूप में प्रदान किए हैं, उसका वे हिसाब मांगेंगे, उसका वे मुनाफा मांगेंगे। और यदि हम अपने जो विवेक हैं, अपने जो बुद्धि है, अपनी जो प्रज्ञा है, उसका हम प्रयोग करते हुए ईश्वर के राज्य के लिए हम कार्य करेंगे, तो उस राजा की भांति प्रभु जब हमारे बीच में प्रकट होंगे तो हमसे खुश होंगे और अपने स्वर्गीय राज्य में हमें पुरस्कृत करेंगे। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम आज के पवित्र सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो आइए ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये जो अशर्फियाँ हैं, प्रभु जिसे हमें प्रदान किए हैं,
ईश्वर के राज्य की उन्नति, प्रगति, महिमा और खुशहाली के लिए, उसके लिए हम हर रोज कार्य करें। ईश्वर की राज्य की स्थापना हमारे बीच में हो चुकी है, ना कि हम उस आलसी सेवक की भांति अपने स्वयं की आवश्यकता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये असरफी है जिसे प्रभु हमें विवेक, ज्ञान और बुद्धि के रूप में प्रदान किए हैं, उसका प्रयोग करें। अपने स्वार्थ मात्र के लिए केवल ना करें, बल्कि ईश्वर की राज्य की खुशहाली, उन्नति और प्रगति के लिए हम कार्य करें। आमीन।